बाद सुपर स्प्लेंडर, ये क्या 2020 का जलपाईगुड़ी आरटीओ है, 20 का मॉडल, 2020 का है, फर्स्ट ओनर ये है भी ये? फर्स्ट ओनर ही है, अच्छा ये भी फर्स्ट ओनर ये भी है। किलोमीटर कम चला हुआ है। हाँ इसका पड़ेगा आपका 66। इसका भी कोई आरसी, कोई पोल्यूशन, कोई इंश्योरेंस का जरूरत नहीं है, और अच्छा इसको 3 घंटा एबव चार्ज करने में लगेगा, अच्छा उसके बाद में इसका चलेगा 71-70 तक का अच्छा चलेगा, मतलब बीसी बोलेंगे लोग। अच्छा 20 का ही और मॉडल है, बीसी बोलेंगे। हाँ फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर सब, ये? ये फर्स्ट ओनर, ये भी फर्स्ट ओनर, यहाँ पे सारे बाइक्स फर्स्ट जी ओनर जी ही है, सब कोई फर्स्ट सेकंड ओनर। ओनर का ऑप्शन नहीं और है। हाँ सबसे बेस्ट, सबसे मैं धमाकेदार अगर सोचा जाए तो ये सिर्फ 7,000 चला है। सिर्फ 7,000 जी की, जी 15 की? जी ये भी बहुत ही झकास और बहुत ही मतलब धमाकेदार मॉडल है, हाँ कोई स्क्रैचेस नहीं है, गाड़ी सिर्फ 11,000 चला हुआ है। हेलो एवरीवन, तो इससे पहले हम लोगों ने बनार हाट में सेकेंड हैंड शोरूम की जितना भी वीडियो बनाया आप लोगों ने काफी प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज वापस से आ चुके हैं हम लोग एक और नए डीलर के पास। नए मतलब डीलर तो पुराना है, लेकिन हम लोग पहली बार वीडियो बना रहे हैं इस आउटलेट पे। इससे पहले हमने SBT ऑटोमोबाइल की वीडियो बनाया था, जो बनार हाट में यामा शोरूम है उनका ही सेकेंड हैंड शोरूम का आउटलेट है बनार हाट में एक और। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ढेर सारे स्टॉक अवेलेबल है। सिर्फ सेकेंड हैंड बाइक की स्टॉक ही नहीं, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी का भी ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। और हमारे साथ है मनीष भैया, जो शोरूम के ओनर है। हेलो भैया, हेलो, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद है, चल रहा अरे बहुत है। बढ़िया भैया। तो सबसे पहले हमारे ऑडियंस को भैया ये बता दीजिए कि इस शोरूम का, इस आउटलेट का लोकेशन क्या है? ये आपका बानानहाट से करीबन 3 किलोमीटर अंदर तोतापाड़ा बाजार अच्छा, पड़ता है, तोतापाड़ा बाजार बोलते बाजार हैं इसको, तोतापाड़ा बानारहाट से बाजार लगभग 3 किलोमीटर तीन अंदर आना किलोमीटर पड़ेगा आना ना? पड़ेगा। अच्छा, गूगल मैप पे आपको तोतापाड़ा बाजार मिल जाएगा, सर्च सर्च कर करने सकते से हैं। मिल जाएगा। हाँ, और नीचे भैया का नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, वह अभी आपको डिटेल्स मिल जाएगा। कोई भी परेशानी हो एक कॉल भैया हाँ हाजिर जी हो हाँ जी, जाएगा। तो शुरू करते हैं भैया पहले इस एक्टिवा से। तो क्या डिटेल्स है इस एक्टिवा का? ये आपका 2022 का मोटा मोटी एक्टिवा 6G है, 6G नहीं 5G बोल सकते हैं इसको, हाँ और ये गाड़ी अभी फिलहाल ज्यादा नहीं चली हुई है, करीबन 47,000 चली है, हाँ उसके अच्छा, अमाउंट हम रखे हैं 55। 55,000 हाँ, आस्किंग प्राइस है। ऑन द टेबल आपका नेगोशिएबल भी हो सकता है, अच्छा, उसमें ऑन कोई टेबल दिक्कत, नेगोशिएबल भी हो हाँ जाएगा, ये बिल्कुल, सिर्फ आस्किंग प्राइस हाँ है। आस्किंग और प्राइस ये है। 22 का मॉडल? हाँ 22 का मतलब 22 नहीं है, आपका 21 का लास्ट का मॉडल अच्छा, है। मतलब 22 हाँ बोल सकते हैं। बस बस वही अच्छा मॉडल ठीक है, उसके बाद इधर आ जाओ, एक और 22 का ही मॉडल यहाँ पे, होंडा SP125, क्या डिटेल्स है भैया उसका? ये आपका 2022 का एसपी साइन, 1 किलोमीटर समथिंग आपका चला हुआ है, 11,280। अच्छा, 11,200 हाँ के ये किलोमीटर चला ओरिजिनल है ये, चला हुआ बाईस फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये। का मॉडल है। हाँ ये नेगोशिएबल ये भी है, इसका दाम अच्छा रखा हुआ है 85, 85,000। पर ये टोटल पेमेंट पेपर हम बना करके देंगे। अच्छा हाँ टोटल, जो लेंगे हाँ हाँ उनके नाम पर हम ऑनरशिप करके देंगे, ओनरशिप चेंज करवा के करा दिया के देंगे। जाएगा, हाँ वो रेट वो प्राइस वो है ये? प्राइस अच्छा के साथ, उसमें भी मतलब कुछ नेगोशिएबल जो सकेंगे उसमें भी हम कर देंगे, नेगोशिएबल हो जाएगा, कर मतलब देंगे। ओनरशिप चेंजेस के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस हाँ नहीं वो देना नहीं, एक्स्ट्रा पड़ेगा। देना नहीं अच्छा, पड़ेगा। इसमें हो गया इसका। उसके बाद जुपिटर भैया, ये इधर आपका, आ जाओ सामने, जुपिटर ये दिखाओ। जुपिटर क्लासिक क्लासिक मॉडल है, हाँ ये 2015 का मॉडल है, अच्छा, इसका मोटा मोटी आपको हम प्राइस लगा देंगे 31,000। 31,000, जी जी 15 का जी जुपिटर, जी फर्स्ट ओनर है ये भी? आप नहीं, ये सेकेंड ओनर, अच्छा ये सेकंड ओनर सेकेंड है, ओनर है, और हाँ ये प्राइस नेगोशिएबल है, बार बार नेगोशिएबल है, बोल रहे हैं। और जो भी गाड़ी हमारे पास है हाँ ऑन द टेबल बैठ के नेगोशिएबल किया जा सकता है, अच्छा, खुद नेगोशिएबल से हो जाएगा, 1,000 से 2,000 तक कर सकते हैं। अच्छा जो भी हो ऑन टेबल हाँ हो जी जाएगा, ऑन द ठीक है। टेबल, उसके बाद इसका क्या डिटेल्स है हॉर्नेट? ये 2016 का मॉडल है, ये हाँ किलोमीटर मोटा मोटी आपका 32-33 तक चला हुआ है, अच्छा, आस्किंग ये भी ऑन द टेबल नेगोशिएबल हो सकता है, इसका दाम, प्राइस क्या है? इसका आस्किंग प्राइस पड़ेगा 61। 61,000, जी 16 का ना? हाँ जी 16 16 का हॉर्नेट, और ये ऑन द टेबल नेगोशिएबल है। नेगोशिएबल। रिफाइनेंस अवेलेबल है हाँ आपके जी यहाँ हाँ पे? जी, कौन कौन सी रिफाइनेंस एरिया के अवेलेबल, अंदर चल? IDFC ओनली सिर्फ आपका जलपाईगुड़ी। ओनली हाँ जलपाईगुड़ी जी डिस्ट्रिक्ट में रिफाइनेंस हो हाँ जाता है जी, ना? फिर ये ग्लैमर, क्या डिटेल्स है? ये 2015 का मॉडल है, हाँ ये 58 चला हुआ है, 58,000, ये नेगोशिएबल ये भी है, इसका दाम अच्छा 45 रखे हुए हैं। हाँ 45,000, जी हाँ फर्स्ट जी ओनर सेकंड ओनर हाँ, ये? ये सेकेंड ओनर है, और सेकंड इसका ओनर, जो नाम ट्रांसफर का जो होगा वो कस्टमर देगा, कस्टमर को देना हम करा पड़ेगा? देंगे काम, अच्छा, आप लोग करवा के उनको दोगे? जाना अच्छा, कहीं नहीं पड़ेगा, हम काम करवा देंगे। वो हो जाएगा यहाँ जी से, मतलब जिम्मेदारी आप लोगों का है, हाँ, मेरा जिम्मेवारी अमाउंट है। कस्टमर को देना पड़ेगा। हाँ जी, उसके बाद एक और ये ग्लैमर, 2010 का ग्लैमर है, हाँ इसका दाम पड़ेगा 28,000। 28,000 में, जी 2010 का ग्लैमर, जी और ये फर्स्ट ओनर है कि सेकंड ओनर है? ये अच्छा, आपका सेकेंड ओनर ही है। ये सेकंड ओनर, हाँ और जी इसका पेपर वर्क सब कंप्लीट हाँ, करवा पेपर के है दीजिएगा। करके देंगे,
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, पेपर लेके कोई परेशानी नहीं होगा, कोई भी गाड़ी में पेपर लेके प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें प्रॉब्लम होगा उसको हम बोल देंगे। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम वो सही कर दिया जाएगा यहाँ से एसबीटी ऑटोमोबाइल की तरफ से। अगर आपको इस शोरूम पे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो तो नीचे मनीष भैया का नंबर आ रहा होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, वहां भी आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटी का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसमें आएंगे बाद में, पहले अंदर भी स्टॉक है वो दिखा लेते हैं पहले, है ना भैया, वो दिखा देते हैं। यहाँ पे पल्सर, क्या डिटेल्स है इस पल्सर का भैया, इधर आ जाइए। ये पल्सर 2014 की लास्ट की है। अच्छा, 14 लास्ट की है, 2014 की लास्ट की है। ये गाड़ी का दाम लगते हैं हम 44 14 की लास्ट, फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर, ये फर्स्ट ओनर ही है। अच्छा, ये फर्स्ट ओनर ही है, और इनका हम नाम ट्रांसफर हम करा देंगे। अच्छा, इसका अलग से चार्जेस लगेगा। अच्छा जी, वो अलग से कर दिए चार्जेस लगेगा, जो भी चार्ज होगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्कवर, क्या डिस्कवर है, अंदर आ जाओ नजदीक से दिखाओ, यूनिक सा आया गाड़ी ये। गाड़ी डिस्कवर है, बहुत ओल्ड ही गाड़ी है। हाँ। पर इंजन बहुत ही अच्छा स्मूथ है। अच्छा। इस गाड़ी का दाम रखा हुआ है सिर्फ 15,000। 15,000 जी, कौन सा मॉडल है ये? ये 2005 की है, 5 की 15,000। और इसमें ओनरशिप चेंज होगा? नहीं, ये इसमें नहीं होगा, ये ओनरशिप नहीं होगी। पर इसका हम कोर्ट से आपका एक तो एनओसी होता है, एनओसी के साथ में उनके ऊपर में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके हम पेपर बना देंगे। मतलब पेपर लेके कोई परेशानी नहीं होगा, जो भी बायर होगा, ठीक है। उसके बाद इस एक्टिवा का 2011 का ये 2011 की एक्टिवा है। अच्छा, इसका अमाउंट हम रखे 25,000। ये 2018 की ड्यूइट है, इसका दाम रखे हैं 35,000 जी, 18 की ड्यूइट जी जी। अच्छा, और ये फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर? ये फर्स्ट ओनर ही है। अच्छा, ये फर्स्ट ओनर है, ठीक है। और इसमें भी थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा ऑन टेबल, और नेम ट्रांसफर का अलग से चार्ज लगता है, और रिफाइनेंस भी यहाँ पे अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में जी, जी। ठीक है, उसके बाद ये 2013 का एक्टिवा सीसी है जी, इसका अमाउंट पड़ेगा 32,000। 13 की एक्टिवा, ये 110 की 125 है, ये 110 जी, ठीक है। 13 की एक्टिवा, स्टॉक सिर्फ यही तक नहीं है, और भी है बाहर, वो दिखाते हैं आपको। लेकिन उससे पहले जो इलेक्ट्रिक स्कूटी आपको दिखाया उसका डिटेल्स भैया से जान लेते हैं। चलिए, तो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी का जो ऑप्शन मिलता है एसबीटी ऑटोमोबाइल की, जो तोतापारा में आउटलेट है इलेक्ट्रिक स्कूटी का, यहाँ पे 3-3 ऑप्शन अवेलेबल है, इसके बारे में जान लेते हैं। क्या डिटेल्स है इसका? ये आपका ऑन रोड पेपर, इसका कोई आरसी नहीं लगेगा, इसका आरसी नहीं होगा जी, नहीं। अरे, ये न्यू गाड़ी है। आप कौन सी ब्रांड का? ये रिया, रिया जी, ये गाड़ी आपका हम इस विलेज एरिया में रखे हुए हैं, इसलिए क्योंकि ये हाई अमाउंट का नहीं है, ये लो बजट में है, अंडर बजट में मिलता है, अंडर बजट में मिल जाएगा। प्लस क्या है कि इसका जो आपका ये चार्ज करने का सिस्टम इस तरह से कि 3 घंटे के अंदर ये फुल चार्ज आपका मोटा मोटी दे देगा। उससे क्या होगा कि इसका आपको रेंज कितना, रेंज मोटा मोटी 60 के आसपास तक चल जाए, 60 के आसपास फुल चार्ज में, और 3 घंटे के अंदर फुल चार्ज लगभग हो जाता है इसका। और ऑन रोड कितना पड़ता है यहाँ पे? ये ऑन रोड पड़ेगा आपका 61,000 सिर्फ, ऑन रोड 61,000। और इसमें कोई आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं होता, मतलब साइकिल की तरह, यहाँ से खरीदो, बिल पेपर लो और चलाओ, कैश पेपर दे देंगे हम इसका, चार्ज करो और चलाओ जी जी। और ये रियर में गया, ये मॉडल, इस मॉडल को पर्टिकुलर, इस मॉडल को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इलेक्ट्रिक एरिए आपका फास्टर बोलते हैं। अच्छा, ये फास्टर मॉडल। अच्छा, फास्टर मॉडल, ठीक है। उसके बाद रिये की, और रिये प्रीमियम एक और है हमारे पास, ये प्रीमियम है जी जी, रिये प्रीमियम है। इधर आ जाइए, इधर से दिखाते हैं, इधर आ जाओ। इसको क्या डिटेल्स है इसका? इसका डिटेल्स है कि इसका अमाउंट पड़ेगा 82,000 ऑन रोड। इसका भी कोई आरसी, कोई पोल्यूशन, कोई इंश्योरेंस का जरूरत नहीं है, और इसको 3 घंटा एवब चार्ज करने में लगेगा। अच्छा, उसके बाद में इसका चलेगा 71-70 तक का। अच्छा, मतलब उससे ज्यादा, हाँ, इससे तगड़ी बैटरी है, ये ज्यादा रेंज देता है, रेंज ज्यादा देता है, इसका बैकअप ज्यादा है, मतलब इसका बैटरी बैकअप ज्यादा है, रेंज ज्यादा मिलेगा आपको उसमें, लगभग 60 के आसपास, इसमें 70 के आसपास, और चार्ज भी लगभग 3 से 3.5 घंटे के अंदर। तीनों स्कूटी जितने हमारे पास है फिलहाल हमारे स्टॉक के हिसाब से, इसमें आपका 3 घंटा से ज्यादा चार्ज नहीं लगता, 3 घंटा के अंदर ही आपका फुल चार्ज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये इस मॉडल का भी यही सेम सेम डिटेल्स है, सिर्फ कलर अलग, कलर अलग है। अच्छा, ये ब्लैक में है, और इसको क्या बोलते हैं, ग्रे में ये कलर, और इसके साथ में हेलमेट दे देंगे कस्टमर को इलेक्ट्रिक स्कूटी में जी जी, हर ऑफर की स्कूटी में साथ में ऑफर में हम आपको इसके साथ हेलमेट देंगे, ब्रांड न्यू हेलमेट जी जी दिया जाएगा एसबीटी ऑटोमोबाइल की तरफ से।
और क्या सेकंड हैंड बाइक में भी कुछ ऑफर चालू है? हाँ जी जरूर चालू है। उसमें क्या ऑफर है? उसमें आपको 2 लीटर तेल दे देंगे, 2 लीटर तेल और एक हेलमेट साथ को दे देंगे। 2 लीटर तेल और एक हेलमेट जी साथ में दिया जाएगा जी। SBT ऑटोमोबाइल की तरफ से सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटी में ही ऑफर ये अवेलेबल नहीं है, सेकेंड हैंड ऑप्शन में भी आपको ये ऑफर मिलेगा, ऊपर से तेल भी मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अभी चलते हैं और भी जो स्टॉक है वहां पे। चलो तो अभी आ चुके हैं हम लोग दूसरे स्टॉक के पास, जो पहले बताया यहाँ पे पहले से तगड़ा स्टॉक है, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले ग्राजिया, क्या डिटेल्स है इसका? ये 2019 का ग्राजिया है। अच्छा, फर्स्ट ओनर है इसका, नेगोशिएबल है। अच्छा, आस्किंग प्राइस क्या है? आस्किंग प्राइस का लगा देंगे हम 47,000 आस्किंग प्राइस है। फर्स्ट ओनर है ये? जी फर्स्ट ओनर है। अच्छा, ये फर्स्ट ओनर और ये प्राइस भी नेगोशिएबल है ऑन टेबल। उसके बाद सुपर स्प्लेंडर, ये 2020 का जलपाईगुड़ी RTO है, 20 का मॉडल, 2020 का है। फर्स्ट ओनर, ये भी फर्स्ट ओनर ही है। अच्छा, ये भी फर्स्ट ओनर, ये भी किलोमीटर कम चला हुआ है। कितना चला हुआ इसका? ये करीबन आपका चला है 37 किलोमीटर। 37,000 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, और आस्किंग प्राइस क्या है? आस्किंग प्राइस पड़ेगा पेपर बना कर देंगे 65,000। पेपर्स वगैरह जो है ओनरशिप चेंजेस से लेकर सब लोग सब कुछ आप लोग ही करवा के दोगे, मतलब बायर को कुछ करने की जरूरत नहीं है? यहाँ जितने स्टॉक है सब हम पेपर बना करके देंगे। अच्छा, यहाँ पे जितना भी स्टॉक है इनका पेपर्स यही से कर दिया जाएगा SBT ऑटोमोबाइल की तरफ से। ठीक है, उसके बाद एंटॉक, ये 2020 का भी एंटॉक है। हाँ। ये सिलीगुड़ी RTO है। हाँ। ये भी हम पेपर बना कर देंगे। अच्छा। इसका भी पड़ जाएगा मोटा मोटी 65 के आसपास, 65 का। हाँ। 20 का मॉडल 64 कर देंगे। अच्छा, ये 64 तक हो जाएगा ये पेपर्स वगैरह सब कुछ बना के, ओनरशिप से लेकर अगर कोई इंश्योरेंस वगैरह फेल है सब कुछ बना के आपको मिल जाएगा। और ये भी फर्स्ट ओनर है? जी फर्स्ट ओनर। कितना चला होगा इसका? ये आपका चला है 13,000। अच्छा, 13,000 समथिंग चला है इसका। ठीक है, उसके बाद ग्लैमर, ये 2021 का ग्लैमर है। हाँ। इसका पड़ेगा आपका 66,000 पेपर बना के, मतलब ये जो प्राइस है इसमें आपको ओनरशिप चेंजेस से लेकर इंश्योरेंस वगैरह अगर फेल है सब कुछ इंक्लूडिंग है, ऊपर से ये प्राइस नेगोशिएबल भी है ऑन टेबल। और जो लोग हमारे चैनल की तरफ से आएंगे क्या डिस्काउंट रहेगा? डिस्काउंट में हम आपको इसमें वही 1,000 तक कर देंगे। अच्छा, उसके बाद में फिर आप साथ में एक हेलमेट हम गिफ्ट कर देंगे। हेलमेट तो है ही। हाँ जी। अच्छा, और जो लोग हमारे चैनल की तरफ से आएंगे उनको कैशबैक ऑफर भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सुपर स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर 2017 की मॉडल है। इसका हम भी पेपर बना के देंगे, सिलीगुड़ी RTO है। अच्छा जी, इसका पड़ेगा 49,000 पेपर बना के। पेपर बना के मतलब बाइक का प्राइस क्या पड़ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसमें आपको ओनरशिप चेंजेस सब कुछ है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ये प्राइस भी नेगोशिएबल है। ऊपर से कैशबैक ऑफर भी चालू है, अगर आप हमारे चैनल की तरफ से आओ तो आपको कैशबैक मिल जाएगा और ऊपर से हेलमेट भी तो मिल ही रहा है। और उसके बाद ये 220 है कि 180 है? ये मॉडल है डबल डिस्क। उसके बाद में फिर ये गाड़ी आप 2019 की मॉडल है। 19 की मॉडल? हाँ जी, 2019 की मॉडल है। फर्स्ट ओनर है? जी फर्स्ट ओनर है। यहाँ सारे के सारे स्टॉक, सारे फर्स्ट ओनर, सब फर्स्ट ओनर। अच्छा, और यहाँ पे बाइक का स्टॉक भी काफी बढ़िया है। और कितना प्राइस रखे इसका? ये आपका दाम रखे इसका वही पेपर वर्क बना कर देंगे। हाँ। इसका 67,000 पेपर वर्क सब कुछ बना के। और रिफाइनेंस तो सिर्फ जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं होगा, सिलीगुड़ी में भी हो जाएगा, जो सिलीगुड़ी नंबर के हिसाब से उसको भी हम रिफाइनेंस ही कर देंगे। अच्छा, जो सिलीगुड़ी नंबर होगा वह सिलीगुड़ी में हो जाएगा। और ओनरशिप चेंजेस क्या सिर्फ जलपाईगुड़ी, मतलब जहाँ का भी हो आप लोग कर देंगे हम करवा, मतलब डिस्ट्रिक्ट में कोई जलपाईगुड़ी इशू नहीं होगा, लेकिन जाना पड़ेगा जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है। अच्छा, कोई बायर को जाना पड़ेगा? जाना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, बायर को जाना ही पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा, सिलीगुड़ी में नहीं जाना पड़ेगा, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। और बाकी डिटेल्स के लिए भैया का नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद 220 है, क्या डिटेल्स है भैया? 220 2011 का मॉडल है। अच्छा, 11 का है जी। उसका दाम पड़ेगा वही पेपर बना करके देंगे 45,000 11 का। फर्स्ट ओनर है वो आपका? फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर। अच्छा, वो सेकंड ओनर है। 45,000 प्राइस पड़ेगा। यहाँ पे जगह थोड़ा कम है इसीलिए हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं। और उसके बाद ग्लैमर का क्या? ग्लैमर 2018 का मॉडल है। हाँ। इसका दाम पड़ेगा आपका 55। 18 का 55, फर्स्ट ओनर है? जी फर्स्ट ओनर, ये फर्स्ट ओनर है। 55,000 प्राइस पड़ेगा। ठीक है, और ये प्राइस भी थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा। और व्हीली बार चल के तरफ से आओगे तो 1,000 का कैशबैक ऑफर। उसके बाद RTR भैया क्या डिटेल्स है? RTR 2000 आपका 17 का मॉडल है। इसका दाम पड़ेगा आपका 17 का RTR जी जी 58,000 दाम पड़ेगा इसका। और ये प्राइस भी नेगोशिएबल हो जाएगा, ऑन टेबल आना पड़ेगा। ऑन टेबल कुछ खर्चा वगैरह हम ठीक ठाक करके दे देंगे, जो भी ठीक ठाक करना होगा वो ठीक करके आप लोग दे देंगे। उसके बाद ये 2007
नौ का गाड़ी है। अच्छा, नौ का। इसका दाम पड़ेगा आपको 25,000। 25,000 जी, जी। नौ का पल्सर सिर्फ और सिर्फ 25,000 में मिल जाएगा। बाइक थोड़ा सा गंदा हो रखा है इसलिए ऐसा दिखा रहा है, वैसे बाइक का कंडीशन बढ़िया ही है, बस थोड़ा सा गंदा हो रखा है। उसके बाद डिग्निटर 2013 का है। इसका दाम पड़ेगा आपका 35,000। पेपर बना के सब कुछ। और ये फर्स्ट ओनर इग्निटर? जी फर्स्ट ओनर है। अच्छा, ये 13 का इग्निटर फर्स्ट ओनर, पेपर वर्क सब कुछ सभी लोग बना के देंगे। ठीक है, तो स्टॉक भाई यही तक नहीं है, दो ऐसी भी बीस्ट है जो भैया ने छुपा के रखा था। हमने भी बताया कि ये लास्ट में दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे जावा की तरफ से क्या डिटेल्स है भैया इस बाइक का? ये जावा पिराक है। अच्छा, 2020 की मॉडल है, लास्ट मॉडल, लास्ट 21 की बोल सकते हैं। हाँ, 21 बोल सकते हैं, पर बीसी बोलेंगे लोग। अच्छा, बीसी मॉडल है, बीसी बोलेंगे। फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर? ये फर्स्ट ओनर, ये भी फर्स्ट ओनर। यहाँ पे सारे बाइक फर्स्ट ओनर ही है, कोई सेकंड ओनर का ऑप्शन नहीं है। सबसे बेस्ट, सबसे मैं धमाकेदार अगर सोचा जाए तो ये सिर्फ 7,000 चला है। सिर्फ 7,000? अरे 20 का मॉडल 7,000 चला हुआ, 7,000 है फर्स्ट ओनर। प्राइस क्या है? ये आपको हम फाइनल प्राइस लगा देंगे पेपर बना करके 145। 145,000 में फर्स्ट ओनर 7,000 किलोमीटर ड्रिवन 2020 की मॉडल 145 में। इसमें आपको पेपर वगैरह सब कुछ कर दिया जाएगा शोरूम के तरफ से, एसबीटी ऑटोमोबाइल की तरफ से। मतलब आपसे पेट्रोल डालो और चलाओ, ऊपर से एक हेलमेट इसमें भी मिल जाएगा। अरे मतलब पेट्रोल डालो और चलाओ, पेपर लेके कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और ये सिलीगुड़ी नंबर जैसा कि देख रहा हूँ मैं, नंबर है ये। इसमें बायर को क्या जाना पड़ेगा? जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसमें जाना नहीं पड़ेगा, बायर पोस्ट हम पेपर दे देंगे। अच्छा, वो हो जाएगा बस। और रीफाइनेंस क्या इसमें होगा? सिलीगुड़ी होगा। अच्छा, इसमें भी होगा, IDFC बैंक से रीफाइनेंस कर देंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये तो गया एक बिस्ट, दूसरी तरफ एक और बिस्ट है, उस तरफ घुमाओ, हम लोग चले जाते हैं इस तरफ। क्या डिटेल्स है इनफील्ड का? ये 2015 की क्लासिक है, क्लासिक 315 की जी। ये भी बहुत ही झकास और बहुत ही मतलब धमाकेदार मॉडल है। हाँ। कोई स्क्रेचेस नहीं है, गाड़ी सिर्फ 11,000 चला हुआ है। सिर्फ 11,000 15 की मॉडल, फर्स्ट ओनर गाड़ी ऊपर से जी, फर्स्ट ओनर है इसका। हाँ। इसका नेगोशिएबल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसका नेगोशिएबल करना टफ हो जाएगा। अगर भाई के चैनल से कोई आते हैं तो हम नेगोशिएबल कर देंगे, वो हो जाएगा ऑनटेबल। इसका हम पेपर ऊपर बना कर देंगे 1,05,000। 1,05,000 में 15 की मॉडल, फर्स्ट ओनर, 11,000 किलोमीटर चला हुआ। इसमें नेगोशिएबल करना भाई थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन अगर आप हमारे चैनल की तरफ से आओगे, व्हीली बर्नर चैनल की तरफ से आओगे, तो आपको इसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप बोलेंगे आके कि भाई हम लोग व्हीली बर्नर चैनल की तरफ से। और आपके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग है नागरकटा के आसपास के एरिया से और आपको तलाश है ब्रांड न्यू यामाहा बाइक्स की, तो SBTO ऑटोमोबाइल की आउटलेट यहाँ पे ओपन हो चुका है नागरकटा में, जो है BDO ऑफिस के सामने। यहाँ पे आपको ब्रांड न्यू यामाहा की बाइक्स मिलता है। फिलहाल तो ये ओपनिंग हुआ है तो 4 स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल है, जल्दी बहुत सारा स्टॉक अवेलेबल होगा। और नीचे नंबर भी आ रहा होगा, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यामाहा की नई बाइक को लेकर, तो आप नीचे आए नंबर से आप शोरूम के ओनर से बात कर सकते हैं, तो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो चलते आगे। तो भाई स्टॉक आपको कैसा लगा SBTO ऑटोमोबाइल के? हमने यामाहा के शोरूम की जो वीडियो बनाया था आप लोगों की डिमांड से, वो भी हमने यूट्यूब में डाल दी। उसके बाद BTO ऑटोमोबाइल की जो सेकंड हैंड स्टॉक थी वो भी हमने दिखा दिया। और उसके बाद SBTO ऑटोमोबाइल की यहाँ पे तगड़ा सेकंड हैंड स्टॉक जो बनाहाट में तोतापारा मार्केट बोलते हैं यहाँ पे अवेलेबल है। नीचे भैया का नंबर आ रहा होगा, मनीष भैया, जो हर वक्त अवेलेबल है आपके लिए। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, एड्रेस, फोन नंबर, सब कुछ। तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई बाइक आपको कैसे लगा, डील आपको कैसे लगा। और भैया के पास इलेक्ट्रिक स्कूटी का भी ऑप्शन मिलता है, 3 दिन इलेक्ट्रिक स्कूटी का भी, वो डिटेल्स भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, डील कैसा लगा। और बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।